की रेखा आप देख रहे हैं यहीं से टूटा हुआ है। लीजिए है पाज भाई। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात बताने वाला हूँ। जैसे कि मेरी कार में एक समय चेक किया था, मेरी कार में पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। लगभग एक डेढ़ साल पहले मैंने अपनी गाड़ी का साकअप चेंज करवाया था और जब गड्ढों पे जाती थी गाड़ी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी और ये जो प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आज हम आए हैं बालाजी मोटर्स नागपुर में और इनसे भी मिल लीजिए। हैफाज भाई। लीजिए हैफाज भाई। हाँ जी। ये भी हैं। तो आज इनसे कुछ काम नहीं है अभी, इनसे जब काम होगा तो इनकी भी प्रॉपर वीडियो आएगी। और अब जो मेन इसमें प्रॉब्लम है वो अभी मैं ग्रुप में देखा था कि किसी ने डाला था कि उनकी जो रियर की बीम है वो टूट गई है, उसको उन्होंने वेल्ड करवाने के लिए खुलवाया था, जो भी है जैसा। तो मैं अपनी कार में देखने वाला हूँ कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो मेरी कार में जो प्रॉब्लम सामने आई है निकल के वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही डेंजर है। अगर इस पे समय रहते ध्यान ना दिया जाता तो आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लम होती। प्रॉब्लम मीन्स ऐसे कि अगर गाड़ी स्पीड पे चलती तो गाड़ी में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट होता। और ये मैं प्रॉब्लम आपको दिखाने वाला हूँ। ये जैसे रियर बीम है कार की और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये टूटा हुआ है यहाँ पे, और इसके नीचे एक राड लगी हुई होती है इसके नीचे, जिसके सपोर्ट से चल रहा है। अभी रियर बीम है ये यहाँ से टूट गया है और इसके नीचे एक राड होती है जिसके सहारे अभी चल रही थी, लेकिन गड्ढे पर जाने पर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि इसको लगे लगे ही इसमें कुछ रिपेयरिंग करवाएं और जो भी रिपेयरिंग होती है, जो भी कॉस्ट आता है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो वीडियो में बने रहिएगा और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको पता है छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करता रहता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अभी यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो उसको आप माइंड मत करिएगा। बाकी यहाँ से जैसे इलेक्ट्रिक बिल्डिंग होगी उसमें, तो इनसे मैंने बात किया मैकेनिक से, तो ये बोल रहे हैं कि हम इस पर अभी वेल्डिंग कर देते हैं। बाकी ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है नहीं, इसको आप किसी भी स्क्रैप से जैसे स्क्रैप गाड़ी से लेके आप सेकंड हैंड इसमें डाल दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। वेल्डिंग वाला उतना सही सक्सेसफुल होता नहीं है। तो अभी मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ कि देखता हूँ अगर कितना चलता है कि नहीं चलता वेल्डिंग में, इससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा वेल्डिंग करवाना चाहिए कि ना करवाना चाहिए। यही सब है। बाकी इलेक्ट्रिक बिल्डिंग के लिए बैटरी के जो टर्मिनल है वो कनेक्शन खोलना पड़ता है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कई गाड़ियों का काम होता है, जैसे स्कोडा फैबिया है उधर बालाजी मोटर्स है और यहाँ पे एक लाइन से गाड़ियों का काम होता है, बगल में मेट्रो लाइन है। तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है, आपको बता दूँ टाइम नहीं मिल पा रहा है। नागपुर आता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, लेकिन अब मैं टाइम निकाल के वीडियो भी डालूंगा। तो अभी देखता हूँ कि आगे क्या इसमें प्रोसेस होती है, क्या क्या इसमें काम होगा। जो पहले मतलब खटाक से साउंड आती थी, ऐसे साउंड आता था जैसे गाड़ी में साकब है ही नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि साकब एकदम से सही है। एक दो साल पहले मैंने अभी इसमें दोनों न्यू साकब डाले हैं पीछे के, तो इतने जल्दी ये साकब ख़राब नहीं होते हैं। तो अभी मेन इसमें प्रॉब्लम जो दिखा दिया मैं आपको उसी का है और यही रिपेयरिंग कैसी होती है पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सिस्टम लगने लगा है, इलेक्ट्रिक बिल्डिंग का है, देखते हैं क्या क्या इसमें होगा आगे। भी कई बार चेक किया लेकिन जज नहीं कर पाया कि दिक्कत क्या है। तो ये जो लंबी सी रेखा आप देख रहे हैं यहीं से टूटा हुआ है, तो यही दिक्कत करता है। इसके अंदर एक पाइप भी होती है आप देख सकते हैं, और सॉकअप दोनों सही हैं। अभी मेरी गाड़ी का एक वीडियो और पेंडिंग है, पेंडिंग हो वाला वीडियो जिस पर मैंने बताया था कि इसके रेडिएटर फैन जो है ऑटोमेटिक नहीं चल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने हैफाज भाई से बात कर लिया शुरू में, अभी मैंने आपको दिखाया। तो जहाँ पे सामान मिलता है इसका जो रिले वगैरह मिलेगा, वो आज दुकान बंद है इस वजह से आज वो काम हो नहीं पाया। अब देखते हैं कब उसकी वीडियो आती है। यहाँ पे वेल्डिंग वर्क स्टार्ट हो चुका है और जहाँ पे वेल्डिंग होगी वहीं पे आप समझ जाइए कि टूटा हुआ है, क्रैक है।
तो एक बार इस पे टांके लगा दिए गए हैं और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि अभी इसमें कैसा वर्क हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहीं पे टूटा हुआ था, तो अभी एक टांका इसमें लग चुका है, अभी दूसरा देखते हैं, अभी इसमें अच्छे से वर्क होगा ताकि जो फ्यूचर में है प्रॉब्लम आए ना, और अगर आएंगे भी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और आप लोग भी मतलब जागरूक हो जाएंगे कि ये सब काम करवाना चाहिए कि नहीं, ये रिप्लेस करना उचित है या कैसा है, ये सब आप देखें। एक बार वेल्डिंग अच्छे से हो जाए फिर इसके बाद मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ ये कैसा हुआ है। वेल्डिंग वर्क पूरा हो चुका है, अब मैं आपको फाइनल शॉट दिखाता हूँ कि मतलब इस पे क्या हुआ है वर्क। तो यहाँ पे वेल्डिंग हो चुकी है और अभी जब गड्ढे में मैं लेके जाऊँगा तब पता चलेगा कि गाड़ी उसी तरह आवाज़ करती है कि नहीं। अगर नहीं आवाज़ करेगी तो फिर सक्सेसफुल वर्क हो चुका है और फिर इसमें कितना पैसा लगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। ग्रुप में भी मैंने देखा था कि किसी की विस्टा में ये जो रियर बीम है ये टूट गई थी, तो क्या करवा रहे थे, वेल्डिंग वर्क करवा रहे थे। तो मैंने ग्रुप में देखा और मैं सोचा कि ये कैसे टूट सकती है, और वही आज हुआ। कल ग्रुप में देखा और आज मेरी गाड़ी में भी वही सेम प्रॉब्लम आ गई। सेम प्रॉब्लम मींस कि आज मैंने मैकेनिक से चेक करवाया तो पता चला कि इसकी रियर बीम जो है टूटने वाली है, पूरी क्रैक है और मतलब हिलती डुलती थी, और ऐसे ही लगभग 5-6 महीने से चल रही है। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि नहीं। एक अपना पद्माकर है इनका नाम, और ये काम करते हैं डेंटिंग वेंटिंग का। तो जो भी इनसे काम करवाना चाहें बालाजी मोटर्स के बगल में आप आ सकते हैं और इनसे काम करवा सकते हैं। पूरी वीडियो आपने देख ली, एक एक स्टेप मैंने आपको दिखाया और काफी अच्छे तरीके से दिखाया, प्रॉब्लम क्या थी ये भी दिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, किसी भी प्रकार की क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी तरह से उसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। कॉस्ट की बात करें तो मात्र 200 रुपए में काम हुआ है, देखता हूँ कि 200 रुपए का काम कितने दिन चलता है। जैसा भी होगा वीडियो आती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा।